वेलकम बैक टू माय चैनल द फ्रेंड। आज हैप्पी दशहरा है मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से वेरी हैप्पी दशहरा। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और माता रानी आप सबको भगवान राम सुखी संपन्न रखे, बस यही कह सकती हूँ। और आप लोगों के लिए और मेरे भी लिए एक गुड न्यूज है कि मेरे मिस्टर की न्यू बिल्डिंग का भूमि पूजन आज हुआ। अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसके लिए आज पूजा हुआ। कभी भी पूजा हुआ रहते तो कभी भी काम चालू कर लेते हैं एक अच्छा सा दिन देख के। तो बस आज मिस्टर मेरे पूजा किए हैं, मतलब करवाए हैं। वहाँ का वीडियो नहीं है फ्रेंड, सॉरी, क्योंकि वो साइड कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे भी अभी नहीं पता है, तो वहाँ का वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं वहाँ जा ही नहीं, तो बनाऊँगी कैसे। तो बस यही आप लोगों से बताना था। और सुबह से आज मैं बिजी थी, थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी सही हो रही है, गला वला खुल रहा है धीरे धीरे, तो सुबह से बिजी थी कामों में। तो अभी मैं घर का सारा काम फिनिश करके वापस मैं नहाई, शाम का पूजा सा करना है ना, दशहरा का शाम का पूजा करना है, गाड़ी ओड़ी का भी पूजा करना आज होता है। तो मैं सोची कि मतलब काम करके थोड़ा सही हो गई थी, कपड़े वपड़े गीले हो गए थे, तो मैं सोची चलो नहा लेती हूँ। तो बस आप लोगों से मैं सोची अभी ये ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शाम का पूजा वूजा करना है, तो मैं सोची स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट रहता है ब्लॉग तो कभी भी मतलब शूट हो जाता है। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए मेरा दशहरे का ब्लॉग कैसा होता है। और गाड़ी वाड़ी का भी पूजा मुझे करना है, मैं जाऊँगी तो वो भी थोड़ा सा कैचअप करूँगी। ग्राउंड में गाड़ियाँ पार्क है, तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलूँगी क्योंकि आप लोगों को वीडियो पे नहीं आ रही थी, बट बहुत जल्दी आप लोगों की वीडियो पे आऊँगी। मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर हो गई है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गला नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा वो भी। और वीडियो को मेरे प्यार दिया कीजिए, थोड़ा सा प्यार की कमी हो रही है, प्यार दिया कीजिए बस, और कुछ नहीं कहूँगी। बने रहिए ब्लॉग में। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? ये है रात के समय की क्लिप जहाँ पे मुझे पूजा करना था, और पूजा अभी करूँगी मैं, तैयारियाँ कर रही हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ मतलब हमारे में दीपक भी जलाते हैं, तो बस मैं सोची कि न्यू दीपक जला दो आज से हमारे में, मतलब कहते हैं कि दिवाली दशहरे से दिवाली शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे न्यू 5 दिया जलाया है और मंदिर में पूजा किया है। और मंदिर में पूजा करने के बाद हर एक दिया एक एक जगह मैं रखूँगी, एक मंदिर में रखूँगी और एक पापा जी के यहाँ रखूँगी, दरवाजे पे रखूँगी दो और तुलसी माँ के पास रखूँगी। पागल के जैसे मैंने दुपट्टा ओढ़ा है, इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि सेफ्टी पिन मैं लगाती नहीं हूँ और न मन करता है मेरा सेफ्टी पिन लगाने का। और इसका दुपट्टा जो है फ्रेंड चुन्नी मतलब हैवी है, तो मन नहीं करता है, कभी कभी ले लेती हूँ। तो वो जो एक पत्ता आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोने का पत्ता होता है, यहाँ हमारा महाराष्ट्र में बोलते हैं लो सोने का पत्ता, तो मैं मंदिर में रखी थी माता रानी के सामने मतलब भगवान के सामने। और दीपक मैं हर जगह मतलब एक एक रख देती हूँ। और मेरा मेन डोर ऐसा है फ्रेंड, देख लो आप लोग, ये मेरा मेन डोर है। मेन डोर मेरा ना एंट्री का डोर दक्षिण दिशा में था, तो मेरे मिस्टर पूरब की दिशा में किक कर दिए हैं। दक्षिण वाली दिशा पे डोर नहीं लगा है, मतलब दरवाज़ा नहीं लगा है, और जो पूरब की दिशा है इस पे डबल डोर है। तो इस तरह से मेरा एंट्री गेट है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे नीचे। तो नीचे लाइट की थोड़ी कमी है फ्रेंड, इग्नोर कीजिएगा, क्या कर सकती हूँ, वीडियो भी डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाए हैं आयुष। तो यहाँ पे मैंने पहले गंगा जल से गाड़ी को वैसे धोया तो था, लेकिन गाड़ी को मैंने गंगा जल पानी से ये किया। गंगा जल का पानी हमेशा हर जगह यूज करना ही चाहिए पूजा पाठ में। तो यहाँ मैं मिस्टर से पूछ रही थी कि मैं कुमकुम का स्वास्तिक बना दूँ क्या, तो मिस्टर बोले नहीं, कुमकुम का स्वास्तिक मत बनाना, और एक्चुअली वो गाड़ी से निकलता नहीं है,
उसका एक छाप सा रह जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैंने यहाँ पे फूल से स्वास्तिक बनाया है। और आयुष बना रहे थे वीडियो, बहुत हिला रहे थे इधर उधर, सही से बना नहीं है, ऊपर से लाइट की भी कमी है तो थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये सब थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और गाड़ी का पूजा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद स्कूटी का भी करूँगी। बने रहिए ब्लॉग में, फुल वॉच कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा दशहरे का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ गाड़ी के अंदर गणपति बप्पा है, इनको भी भोग लगा देती हूँ और इनको भी पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड मैं ये वीडियो 1 बजे एडिट कर रही हूँ, रात को सोचिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता है और मैं रात को एडिट कर रही हूँ, कितनी मतलब वीडियो बनाने और एडिट करने में मुझे ये लगता है, टाइम लगता है। और गाड़ी की पूजा मैंने कर ली ब्रीजा की, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी स्कूटी की, जो फ्रेंड की ये स्कूटी मेरे लिए आई थी लेकिन मैं सीख नहीं पाई। सीखने को सीखी लेकिन अभी अकेले नहीं चला पाती हूँ, मतलब मिस्टर पीछे बैठे रहते हैं तो चला लेती हूँ बट अकेले नहीं लेके जाती हूँ। गिर गई थी एक बार तो मिस्टर लेके नहीं जाने देते हैं। और यहाँ पे अभय फोड़ रहे थे नारियल, जो लोग मेरे बेटे को नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, बड़ा वाला है। और पूजा होने के बाद मिस्टर चले गए, हम लोग आ गए ऊपर, तो आयुष को मैंने प्रसाद दिया तो लेके जा रहे हैं बाजू में देने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, फाइनली पूजा हो गया, घर में भी हो गया और नीचे भी हो गया, गाड़ी का भी हो गया। तो पूजा वूजा कर लिया, ले लीजिए आप लोग प्रसाद, ये मैंने लिया अपने लिए, ये अपने आप लोगों के लिए लिया है, तो लीजिए आप लोग प्रसाद खा लीजिए मेरे तरफ से। और हैप्पी दशहरा आप लोगों को मेरे परिवार की तरफ से, वेरी हैप्पी दशहरा, खुश रहिए। और क्या बताऊँ, बस वीडियो को एंड करती हूँ। माता रानी जा रही हैं साइड पर रोड में, मतलब साइड में रोड पर जा रही हैं माता रानी, आज विसर्जन है तो बाजे वगैरह बाज रहे हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, वैसे भी कोई देखता तो है नहीं वीडियो को। तो खाना वाना भी बनाना बाकी है, वो मैं नहीं शेयर करूँगी आप लोगों से। आई होप आज की वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।